क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आपको बोलना बहुत जरूरी है, तो एक्टिविटीज तो मुझे करवानी पड़ेंगी। अगर आपको नहीं पार्टिसिपेट करना है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं अपने साइड से एफर्ट्स पूरे डालूंगी। तो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी होगी दैट इज योर स्पीच, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ। आपको हो सकता है कि बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा, आई डोंट नो, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्रेश स्टार्ट। तो मैं स्टार्टिंग से आपको हर एक चीज स्पीच के बारे में बता देती हूँ। पहला ये कि स्पीच जो होता है, स्पीच होता क्या है? स्पीच आपका होता है व्हेन यू प्रेजेंट योर आइडियाज इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब आप अपनी ऑडियंस के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, उसे स्पीच कहते हैं। अब देर आर फोर टाइप ऑफ स्पीचेस, ठीक है, चार तरह के स्पीच होते हैं, जो कि शायद मैंने क्लास में बताया भी हो या किसी और ने आपको बताया हो। बेसिकली मेन टाइप आपके चार ही होते हैं। पहला आपका इंफॉर्मेटिव, जिसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए जो आपके जैसे आपने कभी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया होगा या फिर कहीं आपने न्यूज चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे होंगे, ठीक है, आरबीआई का अगर जो चीफ है वो चीफ ऑफ आरबीआई अगर आते हैं प्रेजेंट करने स्पीच, जो भी वो बोलते हैं वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, दैट इज एन इंफॉर्मेटिव स्पीच, ठीक है। मान लीजिए जो स्पीच जो है, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, जैसे आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया था, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ बिहार और द हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेटिव स्पीच है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन वहाँ पास ऑन करनी है कि हमारा बिहार जो था उसका पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इज योर सेलिब्रेटरी स्पीच, जो कि आपने बहुत सारी सुनी होगी, बहुत सारी अटेंड की होगी फेस टू फेस, हो सकता है कि बहुत बच्चों ने प्रेजेंट भी की होगी। सेलिब्रेट जब आप कुछ सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम पे जब आप कोई स्पीच देते हैं, दैट इज योर सेलिब्रेटरी स्पीच। दैट इज मान लीजिए जैसे अभी 26 जनवरी को आपका एक स्पीच होगा अबाउट योर इंडिपेंडेंस डे, देन इट इन दैट केस आपका जो स्पीच होगा दैट इज योर सेलिब्रेटरी स्पीच। नेक्स्ट विल बी योर डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच। डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच इंडिकेट कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि बोल के बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है, बोल के बताना है कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें, मतलब एक तरह से प्रेजेंटेशन ही हो गया, ठीक है, मतलब दिखा के बता रहे हैं या फिर बोल के बता रहे हैं। स्पीच मतलब बोल के बताना सिर्फ, ठीक है, दिखा के बता रहे हैं दैट इज प्रेजेंटेशन। अगर बोल के बता रहे हैं देन इट इज योर स्पीच। तो बोल के बताना है कि आपके ऐप्स में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एडवांटेज है उसको यूज करने का, किस तरह यूज किया जा सकता है, किस तरह यूजर फ्रेंडली है वो, क्या क्या आप कर सकते हैं अपने ऐप पर। तो वो सारी चीजें मतलब बोल के बता रहे हैं कि कैसे आपके ऐप को यूज करना है और क्या करना है यूज करके, ठीक है, इट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच। अगर किसी को भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। लास्ट होता है आपका मोटिवेशनल स्पीच, यानी कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ लाइक somebody इज गिविंग अ स्पीच, जरूरी नहीं है कि उसका कोई फॉर्मेट हो। मोटिवेशनल स्पीच जो होती है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी कि उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में ही प्रेजेंट की जा सकती है। मोटिवेशनल स्पीच का मतलब होता है कि आपको मोटिवेट करना है ऑडियंस को कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो होनी है या आपको करनी है, अंडरस्टूड। ये चीज आप जब करते हैं दैट इज योर, देन इट इज योर मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा मोटिवेट करते हुए कि आप अपना लाइफ में जो एम है उसके ऊपर बने रहे, ठीक है, गिव अप ना करें, ठीक है, अपना लाइफ स्टोरी वो लोग शेयर करते हैं कि हमने इस तरह सक्सेस हासिल की, आप भी कर सकते हैं। सो दीज आर योर ऑल योर मोटिवेशनल स्पीच। ये आपका बेसिक्स हो गया। फॉर्मेट मेरे ख्याल से आप सब कोई जानते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन।
दैट इज द फॉर्मेट ऑफ एनी रिटन कम्युनिकेशन, एनी ओरल कम्युनिकेशन, एनी प्रेजेंटेशन यू कैन से. हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो मेमोरेंडम हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो जीडी हो, हर का एक ही सिंगल फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. लेकिन स्पीच में क्या होता है, यू कैन चेंज द फॉर्मेट और यू कैन से इट इज अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल. कैसे फ्लेक्सिबल होता है, इंट्रोडक्शन जो है जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन एकदम डेफिनेशन से करें. जैसे अगर आप स्पीच दे रहे हैं डिमोनेटाइजेशन पे, तो डिमोनेटाइजेशन क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, कब कैसा हुआ, क्या किया गया, ये सारी चीजें आपके इंट्रोडक्शन में आती है. तो यू कैन स्टार्ट विद द, इफ यू आर गिविंग अ स्पीच ऑन डिमोनेटाइजेशन, यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन. What do you mean by demonetization? When it was introduced to in India? This is all the part of your introduction. ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा स्पीच दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि that it could, if you are giving an informative speech, it should have a format only. ठीक है? आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आपका अपना experience जोड़ सकते हैं. जैसे demonetization में बहुत लोग affected हुए थे, तो हो सकता है कि आप लोग भी इफेक्टेड हुए हैं. ठीक है, आई होप माई वॉइस इज क्लियर. अगर वॉइस क्लियर नहीं है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है या बीच में आवाज कट रही है, तो यू कैन लेट मी नो. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू आर वेरी अनरिस्पॉन्सिव. ठीक है, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, पूछती रहती है ना, फिर भी आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है. आप लोग म्यूट रहते हैं, आप लोग कैमरा ऑफ करके रखते हैं, एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स इन योर क्लास कमिंग आउट ऑन एनी क्वेश्चन. यस, डू वन थिंग, स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. Yes, switch on your cameras, everyone. सारे स्टूडेंट स्विच ऑन करिए कैमरा बच्चे. ठीक है, चार पांच लोग जो है रिस्पॉन्सिव रहते हैं, उसके बाद फिर वो भी शांत हो जाते हैं, बाकी को देख के कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं. तो इस केस में फिर बेटर है कि सब कोई रिस्पॉन्सिव रहे. Yes, again, only three students have switched on their cameras. इसमें से मुझे दो ही की चेहरे दिख रहे हैं, बाकी एक जो है उसने कैमरा स्विच ऑन किया है लेकिन ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है. ऐसे क्यों करते हैं आप लोग, मुझे ये बताइए. इतना अनरिस्पॉन्सिव, मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी क्लास लाइक दिस. यस, सो एज आई वाज टेलिंग, देखिए अभी भी इन लोग के ऐसे बच्चे हैं, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, नो रिस्पॉन्स, कैमरा ऑन नहीं हुआ है, माइक म्यूट नहीं हुआ है, और चैट बॉक्स में मैसेज नहीं है, कुछ भी नहीं. They're just sitting there, I don't know doing what. Yes, so as I was telling कि आपका जो चार टाइप ऑफ स्पीच होता है वो मैंने बता दिया. तो इसमें होता क्या है कि स्पीच में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि जब आप स्पीच बोलते हैं तो जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल दिया डिमोनेटाइजेशन का, तो डिमोनेटाइजेशन में सबको ही ऐसा है कि किसी ना किसी का एक कोई ना कोई स्टोरी है. ठीक है, तो जब आप डिमोनेटाइजेशन पे स्पीच देंगे तो जरूरी नहीं है कि आप उसका मीनिंग बताएं, डेफिनेशन बताएं, उसी से स्टार्ट करें स्पीच. नहीं, आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, कि जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या सिचुएशन था, आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, आपने न्यूज पे क्या प्रॉब्लम देखा लोगों को होते हुए. ठीक है, उससे आप उस स्टोरी से लेकर आप वहां पर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बता सकते हैं. Whatever you want to tell, demonetization is a very vast topic. आप वहाँ पर सिर्फ खुद को इतना enclose मत रखिए जितना आप Google को search करने पर आपको जो information मिलता है. ठीक है, demonetization is a very vast subject. आप उसे economics से related कोई भी चीज बता सकते हैं कि economics से क्या, economy पे क्या असर पड़ता है किसी भी country पर जब demonetization होता है. ठीक है, आप बता सकते हैं कि इंडिया में क्या क्या हुआ demonetization के बाद, बाकी कंट्रीज में अगर कोई डिमोनेटाइजेशन हुआ होगा तो उस पर क्या असर पड़ा. जरूरी नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दे अपने टॉपिक को,
जितना रिस्ट्रिक्ट करिएगा, ठीक है, उतना कम इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, और जितना कम इन्फॉर्मेशन रहेगा आपको खुद से एड ऑन करना पड़ेगा अपना इन्फॉर्मेशन. तो इफ यू हैव अन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब मान लीजिए कि डिमोनेटाइजेशन है, तो आपने सारी कंट्रीज के बारे में नहीं बताया, आपने सिर्फ इंडिया के बारे में बताया. तो उस केस में क्या होता है कि आपने इंडिया के बारे में बताया, तो इंडिया में डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, उसी में आपका स्पीच का टाइम पूरा खत्म हो गया. दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, बिकॉज योर ऑडियंस एटलीस्ट अंडरस्टूड वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड दे कैन रिलेट, वो रिलेट कर सकते हैं. अगर आपकी ऑडियंस इंडिया की है तो वो बेसिकली रिलेट कर पाएगी आपकी स्टोरी पे. अगर इंडिया के बाहर की भी है तो वो एटलीस्ट रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, हमारी कंट्री में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था कभी. तो उस केस में हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन हमारी भी कंट्री के लोगों को फेस करनी पड़ी हो. देन इट इज बेसिकली समथिंग, स्पीच इज मोर इफेक्टिव बिकॉज यू शुड बी एबल टू एंड यू हैव टू बी एबल टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस. ठीक है, स्पीच कुछ भी नहीं है, डिबेट कुछ भी नहीं है, अगर आप अपनी ऑडियंस के सामने कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं. आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बैठा पाए. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अगर आप डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, तो डिमोनेटाइजेशन अगर इंडियन ऑडियंस है आपके सामने, तो आप उसमें कोई एक हंसी वाला स्टोरी सुना दीजिए कि आपके घर में अगर किसी ने छुपा के रखे तो पैसे तो वो निकल गए. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना है कि इंफॉर्मेटिव स्पीच है तो हम इंफॉर्मेशन ही पास ऑन करेंगे, हम कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते. दिस इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन, स्टोरी इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन, बट यू हैव टू बी एबल टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस फर्स्ट. अगर आप कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं तो आपकी स्पीच जो है उसका कोई मतलब नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो ये आपके चार टाइप ऑफ स्पीच है. अब एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आई एम गोइंग टू सेंड टू एंड टू टू थ्री वीडियोज. ठीक है, दो से तीन वीडियोज मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगी. ठीक है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड प्रेजेंटेशन और स्पीच इन इनटू अ बैड बैड स्पीच और बैड प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताने के लिए. एंड व्हाट यू हैव टू डू टुडे is give me each and every person. यहाँ पर I believe around 32 to 31 student हैं. आप लोग जितने भी student present हैं, brainstorm करिए और एक एक topic हर एक student choose करेगा अपनी speech के लिए. खुद से choose करिए कि कौन सा topic आप choose करेंगे and write it down in the chat box right now. ठीक है, सोचिए अच्छे से कि क्या टॉपिक हो सकता है आपकी स्पीच का. इंफॉर्मेटिव हो सकता है स्पीच आपकी, डेमोंस्ट्रेटिव हो सकती है, सेलिब्रेटरी भी अगर आप करना चाहें तो दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. इफ यू वांट टू बी मोटिवेशनल तो आप मोटिवेशनल स्पीच कर सकते हैं. जिस भी टाइप की आप स्पीच बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं. टॉपिक आपको बेसिकली ऐसा चूज करना है जो क्लास के डेकोरम के अंदर हो. ठीक है, मतलब कोशिश करिए कि पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा भी रिलेट ना करें, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन पास ऑन करें जिससे कुछ मॉरल मिले या फिर जिससे कुछ हेल्प मिले या जो स्टडी या करियर से रिलेटेड हो. उससे क्या होगा कि आपका बेसिकली ध्यान जो है यस प्रतीक, वेरी गुड टॉपिक. ठीक है, टॉपिक तो बहुत बढ़िया है आपका, बट यू हैव टू बी एबल टू प्रेजेंट इट विद अ वेरी गुड फ्लो. ठीक है, अगर बहुत आपने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया इस स्पीच को, देन इट विल बी अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन और स्पीच, वट एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट. ठीक है, टॉपिक सही है एंड दिस इज अ मोटिवेशनल स्पीच. मैं पहले ही वॉर्न कर दे रही हूँ, तो मोटिवेशनल स्पीच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल स्पीच. इसमें आप स्टोरी बता सकते हैं, इसमें आप कोटेशंस डाल सकते हैं, इसमें आप अपनी स्टोरी या किसी और की स्टोरी इंक्लूड करके बता सकते हैं, या फिर आप साइंटिफिक डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं. वट एवर इट इज यू कैन कलेक्ट इट एज इज इट. बस ऐसा रहना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को सुनने में बहुत अच्छा भी लगे और उन्हें कुछ सीखने को भी मिले. अंडरस्टूड? एनीवन एल्स? बाकी लोग भी ब्रेनस्टॉर्म करिए, अपना आइडिया निकालिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आपके लिए प्रेजेंट करने के लिए अच्छा हो आपके लिए.
व्हाटएवर टॉपिक यू आर चूजिंग, कुछ ऐसा चूज करिएगा जो आप रिलेट कर पाए अपनी लाइफ से एटलीस्ट। उससे क्या होगा ना कि आपके थोड़े बहुत अगर इमोशंस जुड़ जाएंगे टॉपिक से तो आपको इमोशन कन्वे करने में ज्यादा आसानी होगी। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू आर नॉट एबल टू कन्वे योर इमोशन, ठीक है? आप इमोशंस डिटैच कर देते हो उससे। तो आप जब इमोशंस हटा दोगे किसी भी वर्ड से तो उस वर्ड का मीनिंग नहीं रह जाता है, ठीक है? तो वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो या रीड करके कुछ सुना रहे हो, तो वैसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए इमोशंस अटैच करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इफ आई एम लाइक इफ आई एम स्कोल्डिंग यू, ठीक है, इवन इफ आई स्कोल्ड इन इंग्लिश, इवन इफ आई स्कोल्ड इन हिंदी, इमोशंस आर ऑलवेज अटैच विद माई स्पीच। तो इन दैट केस इफ यू आर नॉट एबल टू अटैच योर इमोशंस ना, तो वहां पर आपका कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है वो, ठीक है? तो इंग्लिश रहे चाहे आप हिंदी में स्पीच दें, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, आपके इमोशंस बैरियर हो जाते हैं। तो इमोशनल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना है, लेकिन एटलीस्ट इतना इमोशन रखिए कि आप हैप्पीनेस अगर है आपकी स्पीच में तो खुशी आपकी आवाज में भी आनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन में भी आनी चाहिए। अगर सैडनेस है तो वो सैडनेस आपकी वॉइस में भी सुनाई देनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन में भी दिखाई देनी चाहिए। अगर एक्साइटमेंट है तो वो एक्साइटमेंट आपके आवाज में आनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन में आनी चाहिए। मतलब बेसिकली आप जो चीज कन्वे करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को वो आपकी वॉइस में क्लियर कट पता चलना चाहिए और आपके एक्सप्रेशन में भी वो चीज पता चलनी चाहिए। ऑल राइट, यस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऑल द स्टूडेंट जितने भी प्रेजेंट है सबका टॉपिक मुझे आज मिलना चाहिए। ओके अभिमन्यु, योर टॉपिक इज बेसिकली इंफॉर्मेटिव बट यू कैन इंक्लूड अ स्टोरी और एनी कोटेशंस एंड ऑल टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है क्योंकि ओवरलोड होने पे भी ऑडियंस बोर हो जाती है, ठीक है? तो इंफॉर्मेटिव भी रखिए, थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी रखिए। टॉपिक अच्छा है, यू कैन चूज दैट, यू कैन गो अहेड विद दैट एंड यू कैन प्रिपेयर अ स्पीच परफेक्टली विद अ ब्लेंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है? मतलब कुछ स्टोरी, इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि हंसी मजाक, इंटरटेनमेंट का मतलब ये कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं उनको, मतलब सिर्फ साइंटिफिक डाटा या फैक्ट नहीं दे रहे हैं या रिपोर्टेड किसी केस का जो आपका सिनेरियो है वो सारी चीजें नहीं दे रहे हैं। अगेन ये सारा जो आपका ये जो है ये भी टॉपिक जो है आपका, अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है? थोड़ी इंफॉर्मेशन देके यू कैन टेल अ स्टोरी अबाउट एनीथिंग। ओके, इंडियन एजुकेशन वर्सेस फॉरेन एजुकेशन, यस, टॉपिक बच्चे दोनों ही सीख है, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव गो फॉरवर्ड विद, ठीक है? आप दोनों ही टॉपिक चूज कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड योर स्पीच शुड एटलीस्ट बी ऑफ 1 मिनट एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम आप जा सकते हैं 3 से 4 मिनट और मिनिमम 1 मिनट आपको बोलना है, उससे कम नहीं रहना चाहिए आपका स्पीच। यस, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, यहाँ जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है मुझे हर एक स्टूडेंट का एक एक ना एक टॉपिक जरूर चाहिए। गूगल से सर्च करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर आप गूगल से सर्च करोगे तो फिर वहीं से आप डाटा भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे और दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है? वो इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना तो वहां पर इमोशंस नहीं होते हैं। तो द मोस्ट you can say the most problematic thing for a student in speech or any type of communication is that aap kya karte ho ki jahan se data uthaya wahan se aap waise hi likh dete ho, collect kar lete ho and then you try to recite it like a child. To aap bacche nahi ho aap, theek hai? Now you have to write it from your heart,
ठीक है, आप जो भी जिस चीज के ऊपर बहुत स्ट्रांगली फील करते हो तो वहां पर आपके इमोशंस डिटैच नहीं हो पाते हैं। जैसे जब आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग यू अ टॉपिक अबाउट अबाउट अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक अगर हम ले दैट फीमेल सेफ्टी इन इंडिया, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो अगर हम इस टॉपिक को ले रहे हैं और अगर मैं हिंदी में किसी को बोलने दूं तो आपके इमोशंस वहां पर दिखेंगे ना, लाइक इफ यू आर एंग्री यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस दैट एंगर वेरी प्रोफाउंडली, ठीक है, चाहे आप अच्छे वर्ड यूज करें चाहे आप बैड वर्ड यूज करें, आप अपने एक्सप्रेशंस वहां पर अच्छे वर्ड्स के साथ भी आप हिंदी में अपने एक्सप्रेशन में अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वही लेकिन इंग्लिश में अगर मैं कहूँ बोलने के लिए तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे इस चीज को, डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद स्पीच के फॉर्मेट में डालोगे, फिर उसको बाद आप उसको बोलना सीखोगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट करोगे, एंड दैट मेक्स दिस प्रोसेस मेक्स योर इमोशंस वॉइड, इमोशनल वॉइड क्रिएट कर देता है ये प्रोसीजर। एंड इससे क्या होता है कि जब आप बोलते हैं तब वो जो गुस्सा आपके अंदर है वो गुस्सा नहीं रहता है, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग ओनली द फैक्ट, ठीक है, आपसे फैक्ट्स या डाटा प्रेजेंट करने से वहां पर इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है, तो वो एंगर जो है आपका वो एंगर निकल के बाहर नहीं आ पाता है, एंड दैट मेक्स द स्पीच डल, ठीक है, वो आपकी स्पीच को डल बना देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो आपको नई नई तरह की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उनके बारे में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है, उन उन चीजों के ऊपर काम करने पे भी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, यू आर बीएससी स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्साइटमेंट जो है ये अगर मैं हिंदी में बोलने बोलूँ तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे कि मैम ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इस तरह यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, 10 साल में ऐसा हो जाएगा, 5 साल में ऐसा हो जाएगा, हिंदी में बोलने में बहुत आसानी से बोल देते हो, लेकिन वही इंग्लिश में बोलने बोलूंगी देन यू स्टार्ट सर्चिंग ऑन गूगल, ठीक है, फिर उसको कलेक्ट करोगे, फिर फॉर्मेट में डालोगे, फिर से यहाँ पर डिटैचमेंट हो जाता है इमोशन का, तो वो जो एक्साइटमेंट है वो बाहर नहीं आ पाता है। सो टेक अ लुक केयरफुली, अगर आप सर्च कर रहे हैं गूगल से तो डाटा कलेक्ट करिए, लेकिन जो स्पीच है वो खुद से लिखने का कोशिश करिए, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग योर ओन वर्ड्स, आपका सेंटेंस अगर खुद के शब्दों में लिखा हुआ है तो वहां पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट रहता है, एंड दैट कैन हेल्प यू टू प्रेजेंट योर स्पीच विद अ लिटिल बिट ऑफ इमोशन, ठीक है। यस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम अदर स्टूडेंट, दो ही बच्चों ने मेरे को अभी तक टॉपिक्स का नाम भेजा है, एनीवन एल्स, ध्यान से सोचिए एंड रिमेंबर व्हाट थिंक दैट यू कैन प्रेजेंट विद एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ योर इमोशंस, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मोटिवेशनल टॉपिक ही चूज करें, जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेटिव ही चूज करें, डेमोन्स्ट्रेटिव चूज कर सकते हैं, यू कैन चूज सेलिब्रेटरी ऑल्सो, ठीक है, कोई अगर आपने जैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि लास्ट ईयर और दिस ईयर आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे दिस थिंग, ठीक है, दिस थिंग्स हैपन लाइक दिस दिस, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं। स्पीच कैन बी एनीथिंग, यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग योर आइडियाज टू योर ऑडियंस, आपको अपने आइडियाज अपने ऑडियंस तक पहुंचाने हैं, दैट डजंट मैटर कि आप किस मीडियम का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया है कि आपको इंग्लिश यूज करना है, स्पीच यूज करना है, इतना स्पेसिफिकेशन देने से क्या हो रहा है कि यू आर बॉन्डिंग योर माइंड, आप अपने माइंड को बाउंड कर दे रहे हैं, और उस केस में आपका माइंड जो है वो डिटैच होकर एकदम जैसे कहते हैं ना मशीन की तरह काम करने शुरू कर देता है, ठीक है, तो मशीन की तरह नहीं काम करना है, यू हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग। Yes, still no answer from the other students. Please think carefully whatever topic you are choosing. जरूरी नहीं है कि वही टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप टॉपिक चेंज भी कर पाएंगे, बट एटलीस्ट गिव मी अ बेसिक कि हाँ ये टॉपिक पे आप प्रिपेयर करोगे।
यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब इतने स्टूडेंट में अभी तक दो ही स्टूडेंट है जिनके पास एक टॉपिक है बोलने के लिए, स्पीच. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट प्रेजेंटिंग एनीथिंग. इतना क्या सोचना भाई, आपको एक टॉपिक ही जो चूज करना है कि किस टॉपिक में आपको प्रेजेंटेशन, मतलब स्पीच देना है, प्रेजेंट करना है स्पीच अपना. सिर्फ टॉपिक चूज करिए, अभी स्पीच नहीं प्रेजेंट करने बोल रही हूँ, सिर्फ टॉपिक चूज करके मेरे को बताइए कि कौन सा स्टूडेंट है वो कौन सा टॉपिक चूज करेगा. लेट मी राइट इट डाउन समवेयर सो दैट इवन आई कैन रिमेम्बर कि विच स्टूडेंट चूज विच टॉपिक. यस अमन. मैम, इट्स प्रतीक. मैम, मैं कह रहा था, मुझे ओके. टॉपिक कब तक मैम आपको सुनानी है? दैट डिपेंड्स हाउ मच टाइम विल यू बी एबल टू प्रेजेंट इट. अगर आप नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट कर पा रहे हो देन इट इज वेल एंड गुड. अगर आप नेक्स्ट क्लास नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट कर दीजिए, बट ट्राई टू डू इट विद इन टू क्लासेस. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके ओके. यस, वन मोर टॉपिक आई एम गेटिंग. यस, वर्षा ने भी टॉपिक भेज दिया है. एनी अदर स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाट टॉपिक मोटिवेट्स यू और व्हाट टॉपिक यू कैन प्रेजेंट वेरी गुड. ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप इंफॉर्मेटिव टॉपिक में कंफर्टेबल हैं तो आप वो टॉपिक भी यूज कर सकते हैं. ओके, आई हैव गॉट अनदर टॉपिक. यस, प्रिया रंजन का टॉपिक भी आ गया है. अगेन, ओनली दीज स्टूडेंट्स आर ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग. वाई ऐसा हमेशा क्यों होता है बच्चे? बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हो? सिर्फ एक टॉपिक चूज करने बोला है, अभी स्पीच नहीं देनी है. यू ओनली हैव टू लाइक चूज अ टॉपिक. एंड वन मोर थिंग, दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट. आप लोग अगर टॉपिक चूज कर रहे हैं तो अभी देखिए करेंटली आपका इतना अटेंडेंस नहीं है दैट यू वॉन्ट बी एबल टू प्रेजेंट इट विद इन टू क्लासेस. तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको दो दो क्लासेस मिलेंगे. दैट मीन्स नेक्स्ट थर्सडे एंड सैटरडे टिल यू हैव टाइम टिल नेक्स्ट सैटरडे. सो अगर आप थर्सडे को प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप थर्सडे को प्रेजेंट करिएगा, अदरवाइज सैटरडे को पक्का कर दीजिएगा. एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज दिस इज योर मंथली एमआरक्यू. ये आपका मंथली एमआरक्यू है. अभिमन्यु, विच ऑफ द टॉपिक दैट आर यू चूजिंग, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? आपने यहाँ दो टॉपिक लिया, लिख के भेजा है, दोनों में से आप कौन सा चूज कर रहे हैं ये भी बता दीजिएगा एक बार. ओके, सेकेंड वन, फाइन. यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बाकी क्यों नहीं कोई रिप्लाई कर रहा है? आई एम टेलिंग यू अगेन, ये आपका एमआरक्यू है जनवरी मंथ का. करना तो सबको है, अब डिपेंड्स कि मैं यहाँ पर जबरदस्ती आपको एक ही दिन में फिर नाम बोल के बुलाऊंगी कि यू हैवंट प्रेजेंटेड इन द फॉर द जनवरी एमआरक्यू, या फिर आप खुद से प्रेजेंट कर रहे हो अपने से टॉपिक चूज करके. यस, डू यू वांट मी टू कॉल ईच एंड एवरी पर्सन
योर नेम, ओनली देन यू विल बी राइटिंग योर आंसर, या तब भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। Okay, so I'm not getting any further response, so I'm taking it as a sign that you are not participating in the MRQ. So jitne bhi student hai, agar wo participate nahi kar rahe, even though if you are present in the class, let me remind you, you will be marked as absent. Kyunki MRQ ki class hogi, next class Thursday and Saturday, both aapki MRQ ki class hogi. So aaj jo topics de rahe hain, if they are able to present on Thursday, they will be marked on as present. Others jinhone topic nahi diya hai ya jo Thursday ko topic nahi batayenge, Thursday ke liye koi topic nahi denge, unhe Thursday ko agar unhone class attend bhi ki hogi, so they will be marked as absent. So you at least have to give the topic today itself. अगर आप थर्सडे प्रेजेंट रहेंगे तो भी आपको अटेंडेंस नहीं दिया जाएगा इफ यू आर नॉट नॉट गिवन द टॉपिक्स। इतना सोचने के लिए टाइम नहीं लगता है। कोई भी एक टॉपिक जो भी आप समझते हैं कि जिससे भी आप अच्छे से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यू कैन चूज दैट टॉपिक। आई हैव गिवन यू मोर देन इनफ टाइम। यू स्टिल हैव हाफ एन आवर, ठीक है? अभी भी आपके पास हाफ एन आवर है। यू कैन चूज द टॉपिक विच यू लाइक एंड हाफ एन आवर में जितने भी स्टूडेंट टॉपिक मुझे दे देंगे, दे शुड बी रेडी टू प्रेजेंट देयर स्पीच ऑन थर्सडे, इफ नॉट देन सैटरडे। इन दोनों दिनों के बीच में आपको प्रेजेंट करना है। आई एम गिविंग यू टाइम, एक से ज्यादा इसीलिए दिन दे रही हूँ क्योंकि इफ देयर इज सम पर्सन वुड लाइक टू प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस आपका 100 से भी ज्यादा है, यू आर जस्ट नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। तो ये एम आर क्यू के लिए आई विल बी राइटिंग द मैसेज इन गिविंग द मैसेज इन योर ग्रुप्स, आपके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में मैं ये एम आर क्यू के लिए डाल दूंगी कि थर्सडे एंड सैटरडे विल बी योर एम आर क्यू। जिसने टॉपिक दिया है उसका आपको थर्सडे को प्रेजेंट करना है। If you are not able to present on Thursday, then you have the last date as Saturday. उससे late अगर होगा, then you will be marked as absent. अगर आपने topic दे दिया और present फिर भी नहीं किया Thursday और Saturday को, दोनों में से किसी भी दिन, then you will get zero. Yes, I'm still waiting for some people to join. Their audios at least. There are 3 students जिन्होंने अभी तक audio भी connect नहीं किया है। इनको तो class से बाहर ही निकालना सही रहेगा। Yes, rest of the students. ओके, लेट मी डू दिस। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, अब मुझे यही है कि एक एक करके सबका नाम लेना पड़ेगा तभी आएगा रिस्पॉन्स। यस, सौरव राज, ओके, दैट इज एन एक्सपीरियंस यू आर शेयरिंग, ठीक है? तो इस पे ध्यान रखना है दैट यू डोंट ओवर शेयर, मतलब बहुत ज्यादा भी शेयर नहीं कर देना है। इफ यू आर ओनली शेयरिंग इट योर एक्सपीरियंस, देन आपका स्पीच पहली बार तो छोटा रहेगा, तो 1 मिनट तक का ही रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा, दैट इज ऑल राइट। बट यू हैव टू प्रेजेंट, सिंस दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी रिलेटेड टू योर ओन पर्सनल लाइफ, तो यहाँ पर इमोशनल डिटैचमेंट नहीं दिखना चाहिए, मुझे पहले ही बता दे रही हूँ।
यस, 5 स्टूडेंट हैव गिवन देयर टॉपिक्स. अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं दिया है. ट्वेंटी 7 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक टॉपिक दिया है. बाकी स्टूडेंट भी सोचे, यू कैन थिंक व्हाट यू कैन सी. द टॉपिक मस्ट, जरूरी नहीं है कि अगर आपका टॉपिक जो है वो इंफॉर्मेटिव है या टॉपिक जो है वो मोटिवेशनल होना चाहिए. किसी भी तरह का आप टॉपिक चूज करते हैं, द स्टाइल दैट यू यूज फॉर प्रेजेंटेशन, आपका जो स्टाइल होता है वो थोड़ा यूनिक रहना जरूरी है. यूनिक कैसे करेंगे? यूनिक आप तब कर सकते हैं जब आप उसमें थोड़ा सा अपना पर्सनल टच डालेंगे. पर्सनल टच मतलब कि दैट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड समथिंग ऑफ योर ओन, समथिंग दैट इज ओनली योर ओन एंड नॉट, इट मे बी समथिंग रिलेटेड टू समवन एल्स. हो सकता है कि किसी और की भी लाइफ में सेम सिचुएशन रही हो, उसने भी सेम डिसीजन लिया हो, उसका भी सेम रिजल्ट हो, डजंट मैटर. बट अगर आप अपनी लाइफ से उसको रिलेट करेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आएगा. एंड उस केस में क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, दैट मींस यू हैव योर ओन पर्सनल व्यू टू प्रेजेंट. और अपना पर्सनल व्यू जब प्रेजेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका, अगर सेम टॉपिक भी आप चूज करते हैं, सेम डाटा भी आप कलेक्ट करते हैं, तो भी आपके प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है. So it is not necessary if one person has chosen one topic, so aap present nahi kar sakte us topic ko. That is absolutely all right to present if two or more people are presenting on the same topic, that is absolutely all right. But aapka presentation ka jo style hai, aapka jo delivery ka style hai, wo different hona chahiye and hota bhi hai. Theek hai? आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आइडियाज को, ये बहुत मैटर करता है. समझे? अगर आप प्रेजेंटेशन जो है बहुत इमोशनल होके कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन अपना पर्सनल स्टोरी इंक्लूड करके कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन किसी और का स्टोरी इंक्लूड करके कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. आई हैव गिवन प्रेजेंटेशन ऑन ऑल द टाइप्स. ठीक है, इसीलिए मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं, आपका अपना एक स्टाइल होता है प्रेजेंटेशन का, जो कि हर एक स्टाइल, हर एक तरह के प्रेजेंटेशन में इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, मैंने जब स्पीच प्रेजेंट किया है तो आई हैव प्रेजेंटेड इंफॉर्मेटिव स्पीच, इंफॉर्मेशन वाला स्पीच, यानी कि सिर्फ डाटा को लेकर मैंने एक स्पीच बनाया है, उसको इंक्लूड करके दिया है. उसमें भी मेरा एक अपना यूनिक व्यू रहता है, जो कि इंक्लूड करने से it becomes my personal view, it becomes my personal presentation style. अगर मैंने story include की है अपनी, ठीक है, मेरे life से related अगर कोई story रहती है, तो I have included that it part in my speech and still my delivery style is, my presentation style is uniquely my only. अगर मैं किसी और की story include करती हूँ, मान लीजिए मुझे कुछ motivational स्पीच देनी है, तो मैंने बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो भी हमारे इंडियन पीपल हैं, विच हैव गॉट द पोजीशन ऑफ अ वेरी ह्यूज पोजीशन फ्रॉम डिफरेंट फाउंडिंग, फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, ओनर्स टू सीईओस टू डिफरेंट पोजीशंस दे हैव अक्वायर्ड. तो ये सारी स्टोरीज मैंने इंक्लूड करके मोटिवेशन करने की कोशिश की है बहुत लोगों को. देन इवन दैट पार्ट इज समथिंग दैट इज माय ओन ओपिनियन, क्योंकि किस तरह से मैं उनका जो स्ट्रगल है वो आपके सामने रख रही हूँ, दैट इज माय यूनिक स्टाइल. और वो जो स्टाइल है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है. सो यू कैन टेक द डाटा फ्रॉम समवन एल्स, यू कैन टेक द टॉपिक फ्रॉम समवन एल्स, बट योर ओन पर्सनल views or your own personal style determine how you are going to present it in front of the audience. Samjhe? So, aisa agar aap soch rahe hain, see, this is the problem that is creating your emotional void. Kyunki aap Google se search karke data collect karte hain, ek speech tayar karte hain, agar wo bhi nahi karenge, to bahut log aise bhi hote hain, bahut zyada aalsi, jinko agar ek topic de diya gaya, to wo speech hi Google pe search kar lenge pura.
और उसी को कॉपी करके उसी को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट विदाउट गेटिंग इमोशनली वॉइड. पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना इमोशन इमोशन अटैच करके वो प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन आपने किसी और का लिया है. तो जिसने लिखा है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इमोशनली अटैच्ड बिकॉज दे हैव देयर पर्सनल व्यूज ऑन दैट स्पीच. आपका पर्सनल व्यू नहीं है उसमें. सो इफ यू हैव नॉट इंक्लूडेड योर ओन पर्सनल व्यूज देन इट इज नॉट योर ओन स्पीच. इट इज नॉट योर ओन पर्सनल स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन. इसी वजह से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता है. If you have your own personal views, जिसको आपने अपने speech में include किया है, ठीक है? अगर आपके कुछ ऐसे opinion हैं, जो आपको लगता है कि controversial है, तो उन्हें भी present करने का एक तरीका होता है, ठीक है? ये भी चीज याद रखिएगा, even if you are presenting any informative speech क्यों जरूरी होती है? क्योंकि जब आप किसी controversial topic पे बात करते हैं ना, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी को तो वो बोर हो जाते हैं. लेकिन इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, अगर मैं कोई भी टॉपिक यूज करती हूँ जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, यानी कि अगर उस पे चार लोग हाँ कर रहे हैं तो चार लोग ना भी कर रहे हैं और वो आपस में लड़ भी सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. तो उस टॉपिक को अगर मैं चूज करती हूँ तो मुझे being a presenter or being a you can say being a speaker in front of the audience, it is my job to present it as neutral as it is. Matlab neutral ka kya matlab ki mujhe wahan par apna opinion thopna nahi hai kisi ke upar, mujhe apna opinion prove karke dikhana hai data ke through, facts ke through, scientific results ke through. कोई एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट मैं यूज कर सकती हूँ. मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पर प्रूफ चाहिए अपना ओपिनियन बिल्डअप करने के लिए कि मेरा ओपिनियन है कि ये चीज सही नहीं है तो उसका क्या रीजन है. ये इंफॉर्मेशन मुझे पास ऑन करनी है पहले, ये बोलने से पहले कि ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करना जरूरी है, ये बोलने से पहले कि ये चीज जो है ये सही है या गलत है. In my opinion, it is wrong, so I have to present the proof first to the audience before saying that in my opinion, this is wrong. Samjhe? I hope you are understanding, each and every person is understanding what I am telling you. Jo bhi samjha rahi hu, wo samajhna zaruri hai. Ye sari information aapko help karegi ek perfect speech formulate karne mein aur present karne mein. Theek hai? Anyone else? Only 5 students have given their topics, and I'm again telling you this is your MRQ for January month. So, आपको अगर MRQ में participate करना है, you have to give me your speech topic. Otherwise, even if you attend the classes for Thursday and Saturday, you will be marked as absent. You have 15 minutes to give me the topic till the time I'm making your attendance. जब तक मैं attendance आपका बना ले रही हूँ, आते बनाते you have only that much time. जितना देर मैं आपका attendance बना रही हूँ, उतना देर आपके पास time है. Go through all the information that I have given you and find out how much you can which topic you can utilize all this information. Yes, I believe I have to name one by one every student, only then I will get a response. Yes, Prateek has given. Yes, Shams Yasin. बैच 2 रोल नंबर 28 आपका टॉपिक नहीं मिला है. आशिक साम बैच 2 50 आपका टॉपिक नहीं मिला है. अभी मनु ने दे दिया है. अभिषेक कुमार रोल नंबर 31 बैच 2 आपका टॉपिक नहीं मिला है अभी तक. रोल नंबर 7 सचिन कुमार आपका भी टॉपिक नहीं मिला है.
रोल नंबर 5 बैच 1 आशीष कुमार, वर्षा ने दे दिया है। राहुल राज रोल नंबर 17, रोल नंबर 24 राजकुमार, रोल नंबर 40 राहुल बर्मन। इफ यू आर सेंडिंग द टॉपिक्स सेंड इट क्विकली, अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं गूगल से टॉपिक तो आप के उतना जल्दी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, अदरवाइज लेट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, आपका प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो 5 लोग हैं जिनका मैंने नाम लिखा है इनका तो प्रेजेंटेशन होगा ही होगा, ठीक है। एंड इफ देयर इज ओनली 5 दैट मींस कि एक दिन में ही थर्सडे को हो जाएगा, बाकी जिन्होंने टॉपिक नहीं दिया है वो अगर सोच रहे हैं कि थर्सडे को टॉपिक दे देंगे देन इट दैट विल नॉट डू, टॉपिक्स मुझे आज ही चाहिए आपसे। यस अदर स्टूडेंट्स रोल नंबर बैच 2 रोल नंबर 34 सिद्धार्थ राज, बैच 2 रोल नंबर 26 मनीषा सिंह। एंड इज देयर एनीवन स्टिल हु हैज नॉट कनेक्टेड देयर ऑडियंस, नहीं तो आई एम थिंकिंग दैट एवरीवन इज एबल टू हेयर माय वॉइस, और अगर फिर भी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं देन आई डोंट नो व्हाट टू डू विद योर क्लास। अगर 5 ही बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, 5-6 ही बच्चों को मुझे पढ़ाना है तो फिर वही 5 अटेंड करें, वही 10 अटेंड करें, आप लोग बेफिजूल में यहाँ पर अटेंडेंस के लिए ना आए।